नमस्कार, मैं हूं षण्मम श्रीवास्तव। T20 की सबसे मजबूत टीम भारत कैसे हार गई पाकिस्तान से? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह पाकिस्तान की अच्छी बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग है, तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि जो जानकारी हम आपको इस शो में दे रहे हैं वो आपका दिल दहला देगी। जी हाँ, भारत अपनी बुरी गेम की वजह से नहीं हारा, बल्कि हारा है पाकिस्तान की साजिश से। इस साजिश की शुरुआत होती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, किस तरह इमरान खान अपनी उंगलियां और मुंह दोनों एक साथ चला रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, इमरान खान पढ़ रहे हैं एक घातक मंत्र, और इस मंत्र को अपने टेलीविजन सेट के जरिए पहुंचा रहे हैं सीधा दुबई। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि दुबई में इस मंत्र को रिसीव कौन कर रहा था? सूत्रों के अनुसार इस मंत्र को दुबई में रिसीव करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी था, जो अपने हाथों की चुम्मियां लेकर उन्हें हवा में रेडार बनाकर इमरान खान के मंत्र को रिसीव कर रहा था और उसे स्टेडियम के चारों ओर फैला रहा था। भारतीय रॉ को जब इस साजिश की जानकारी मिली तो उसने इस मंत्र का तोड़ करने के लिए अक्षय कुमार को काले कपड़े पहनाकर मैदान में उतार दिया। लेकिन भारतीय रॉ को यह जानकारी ही नहीं थी कि पाकिस्तानी ISI उससे 10 कदम आगे थी और उसने अक्षय कुमार के काले कपड़ों का तोड़ पहले से ही निकाल लिया था। जी हाँ, अक्षय कुमार के मैदान में उतरने से पहले ही पाकिस्तान ने फवाद चौधरी को काली शलवार कमीज पहनाकर पहले ही मैदान में उतार दिया था। इस समय तक पाकिस्तानी मंत्र पूरी भारतीय टीम पर बुरी तरह असरअंदाज हो चुका था और भारत की आखिरी उम्मीद विराट कोहली ही थे। मंत्र उनके दिमाग तक न पहुंचे, इसीलिए उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी टोपी डबल कर ली। लेकिन मंत्र इतना घातक था कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंत्र का पूरा असर करना था कि विराट कोहली ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ऐसे मिलना शुरू किया मानो होली का त्यौहार हो। तो ये था आज का शो। इसी तरह पाकिस्तान की साजिशों को आगे भी बेनकाब करते रहेंगे। देखते रहिए घातक न्यूज़, घातक न्यूज़, घातक न्यूज़, घातक न्यूज़, घातक।